चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायपोल मोमेंट कंपैरिजन के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना। पहली बार डायपोल मोमेंट होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। डेफिनेशन लिखते जाओ मेरे साथ। एन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इट्सेल्फ रिजल्टिंग सेपरेशन of charges in a molecule is called polar molecule। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, मैं पॉइंट लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको। सेकेंड पॉइंट है the extent of पोलर मॉलिक्यूल या पोलैरिटी इज डिफाइंड बाय डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है। एन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मान लो अगर आसान शब्दों में आपको समझाया जाए, मेरे पास दो एटम है, एक है मेरे पास H और एक है मेरे पास Cl। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हो रहे हैं, डेफिनेशन से कनेक्ट करते जाना है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये कौन खींचना चाहेगा अपनी तरफ? क्लोरीन खींचना चाहेगा। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाना चाहेंगे, इधर डेफिशिएंसी होगी, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आना चाहेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहेगा और यहां नेगेटिव चार्ज, तो एक तरीके से दो चार्ज का सेपरेशन हो गया। मतलब यहां ऐसा बोल सकता हूं कि एक नेगेटिव चार्ज आने वाला है और यहां बोल सकता हूं एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो ये चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। इसी को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और इसका जो एक्सटेंट है कि कितनी हद तक खींचेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट पे, सीधी सी बात। ठीक है, तो किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उस इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से क्या होता है, उस एटम जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होता है, यहां नेगेटिव आने लगता है और यहां पॉजिटिव डेवलप होने लगता है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि दो चार्ज सेपरेट हो गए। ठीक है, ऐसा होता है। अब डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, ये तो इसका बेसिक हो गया। डेफिनेशन ये है कि द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस जैसे मान लो मैंने जो एग्जांपल लिया HCl, ठीक है, यहां डेल्टा प्लस लिखा, यहां डेल्टा नेगेटिव लिखा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर आया और यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या आया, इस पर आया। तो या तो आप पॉजिटिव वाला ले लो या नेगेटिव, मतलब एक तरीके से तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है इसकी। ठीक है, तो जितना यहां पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही वहां नेगेटिव डेवलप होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो क्यू लिख रहा हूं, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, डी, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, डी। ठीक है, तो क्यू इंटू डी, तो डायपोल मोमेंट को मैं लिख सकता हूं क्यू इंटू डी, और डायपोल मोमेंट को हम लिखते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, म्यू से। तो डायपोल मोमेंट म्यू क्या आ गया, क्यू इंटू डी आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की, क्योंकि डायपोल मोमेंट के बारे में मैं फोर्थ पॉइंट ये लिखने वाला हूं कि द डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर
क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, या डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ए और ये बनाया मैंने बी, ठीक है, और मैं ऐसा लिख रहा हूं बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, बी की ज्यादा है किससे, ए से, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन बनती है, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन बनती है अगर आप चार्ज सेपरेशन से करना चाहो तो। इस तरीके से डायरेक्शन दिखाते हैं इसकी, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में यूनिट लिख लो, यूनिट इसकी होती है डिवाई, डी लिखते हैं ना, डिवाई बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, एक न्यूमेरिकल आता है बस, परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम आगे निकालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, बस एक दो ही न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इसके, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके कंपैरिजन वाले होते हैं। तो कंपैरिजन आप कैसे कराओगे, आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो अलग अलग वेक्टर बनेंगे ना, क्योंकि हर एक बॉन्ड का जो पोलैरिटी होगी वो अलग अलग होगी, तो फिर आपको वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आगे की कहानी आपको समझाता हूं। डायपोल मोमेंट क्लियर समझ में आया क्या होता है, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पर नेगेटिव डेवलप होने लगेगा, तो रिलेटिवली दूसरे पे पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा, तो क्या होगा, चार्ज का एक सेपरेशन हो जाएगा। इसी चार्ज के सेपरेशन की एक्सटेंट को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, कि किस हद तक वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो भी आपके पास चार्ज है वो ले लो क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जो है वो मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, डिवाई, और वेक्टर क्वांटिटी है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, जैसे अभी मैंने यूनिट बताई आपको डिवाई होती है, तो डिवाई के यूनिट कन्वर्जन भी आपको याद होने चाहिए, क्या होता है, देखो 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, CGS यूनिट बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, 10 की पावर माइनस 18 है ये। और अगर मैं MKS वाली यूनिट लिखूं तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मत पढ़ना इसको, कूलाम मीटर, ऐसा होता है ये, ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है। वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम लिखते थे, आज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखूं तो -19 कूलाम होता था, और अगर इसी को मैं लिखूं CGS में तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस, ये होता है आपका 10 ESU, 10 की पावर माइनस 10 होता है, सॉरी 18 नहीं होता, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं एक कूलाम या एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कूलाम से इसमें कन्वर्ट करता हूं तो वही मैंने कन्वर्जन डायरेक्ट करके यहां पर लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, यूनिट कन्वर्जन की, ठीक है। अब चलते हैं सेवेंथ नंबर के पॉइंट पर, जिसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट क्या होता है, द डाइपोल मूवमेंट, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या रहा भाई, ये बॉन्ड मूवमेंट क्या आ गया जब डायपोल मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, तो जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और उसमें एक ही बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का जो डायपोल मूवमेंट है उसी को हम बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास मान लो ऐसा आ गया पॉलीएटॉमिक, तो मैं हर एक सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करूंगा बॉन्ड मूवमेंट, और ओवरऑल इनका जब रिजल्टेंट निकलेगा तो उसको बोलेंगे डायपोल मूवमेंट। समझ रहे हो बात को, एक सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं बॉन्ड मूवमेंट, और अगर ओवरऑल रिजल्टेंट निकालोगे तो वो होता है डायपोल मूवमेंट, ठीक है। और अगर एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड मूवमेंट इज इक्वल टू डायपोल मूवमेंट, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड मूवमेंट है वो वर्ड यूज करेंगे, और उसका रिजल्टेंट वर्ड यूज करेंगे डायपोल मूवमेंट। समझ रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं 8 पॉइंट में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से ही हम आगे कंपैरिजन कराएंगे डायपोल मूवमेंट, है ना, याद होगा वैसे सब लोगों को। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो वेक्टर हैं, अगर एक मैंने म्यू वन ले लिया, दूसरा मैंने म्यू टू ले लिया, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो म्यू रिजल्टेंट जो होगा वो होगा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस
थीटा, ठीक है। आपने पी और क्यू से भी याद किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब मेन बात यह आती है यहां पर कि अगर मैं ऐसा बोलूं म्यू रिजल्टेंट और कॉस थीटा के बीच का रिलेशन, तो जो म्यू रिजल्टेंट होता है वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और थीटा के इनवर्सली होता है। आप ऐसा देखेंगे जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। कॉस थीटा बढ़ेगा, सीधी सी बात है, कॉस थीटा बढ़ेगा तो म्यू रिजल्टेंट बढ़ेगा, और थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होगा, मतलब म्यू रिजल्टेंट कम होगा। तो ये इससे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का। इसको नोट करो, फिर मैं इसको अप्लाई करके आपको बताता हूं। मेन यहां से कहानी शुरू होती है कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अभी तक तो बेसिक समझा रहा था कि एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट क्या आता है, थोड़ी फील आ जाएगी आपको। बाकी अगर इसके बाद से अगर देखते हो आप ये वीडियो, तो यहां से कहानी शुरू होती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। नोट करो, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहली बात तो है कि डाइपोल मोमेंट से हम क्या पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने डाइपोल मोमेंट निकाला किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर डाइपोल मोमेंट मेरे पास म्यू आया, म्यू मतलब जीरो आया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट म्यू आया और वो क्या आया, जीरो आया, तो हम बोलते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर डाइपोल मोमेंट मेरे पास नॉन जीरो आया, म्यू रिजल्टेंट मैंने निकाला नॉन जीरो आया, तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, ठीक है। तो पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के बारे में बता सकते हो आप किसी भी मॉलिक्यूल के। ध्यान रखना, कब जब भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो हो सकता है कि उसमें पोलर बॉन्ड हो और उसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। यह भी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं। कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें पोलर बॉन्ड हो सकते हैं और डायपोल मूवमेंट उसका जीरो, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी वो डिसाइड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, और किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी वो डिसाइड होता है डायपोल मोमेंट से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब चलते हैं अपन डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? वीएसईपीआर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उसी को ही अप्लाई करके अपन यहां पर डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन करेंगे। मतलब वहां से हम ज्योमेट्री और शेप उठा लेंगे और अपन यहां आंसर करते जाएंगे। जैसे आप याद करो, हमने टेबल बनाई थी बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाली, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर दो जीरो, दो एक, दो दो, दो तीन, ठीक है। इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं एक एक और उसको अपन सॉल्व करके लिख लेंगे। टू जीरो का एग्जांपल ले रहा हूं मैं BCl2, टू वन का ले रहा हूं SO2, टू टू का ले रहा हूं वाटर, और टू थ्री का ले रहा हूं XeF2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला BCl2, अगर मैं BCl2 की बात करूं तो ये क्या होता है? लीनियर होता है, ठीक है। ये शेप आपको याद होंगे इनके, है ना, ये क्या होता है? लीनियर होता है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, बेरिलियम और क्लोरीन में डायरेक्शन किधर जाएगी डाइपोल की? बोलो फटाफट से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मतलब ऐसा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? बेरिलियम से। उसी तरीके से यहां पे भी डायरेक्शन कैसी जाएगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, और अगर मैं इसको म्यू वन लिखता हूं तो ये भी तो म्यू वन ही है ना, साइड एटम क्या है, ये सेम ही है। तो ये वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, या आप रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो भी जीरो आएगा। तो ये वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, इसका मतलब ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट इसका क्या आने वाला है? जीरो, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जीरो आ गया, म्यू रिजल्टेंट जीरो आ गया, तो बताओ मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा कि ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। आप बताओ क्या इसमें पोलर बॉन्ड है? आप बोलोगे यस पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर, ठीक है। इस तरीके से करना है। एक और समझो, SO2 वाला। अगर मैं SO2 के बारे में बात करूं तो SO2 ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर को मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होता है? बेंट, ठीक है। अब अगर इसका डाइपोल का डायरेक्शन देखूं तो इधर, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर। अब ये एंगल कुछ ना कुछ तो है ना, ये 180 तो नहीं है, कुछ ना कुछ अगर एंगल है, इसका भी डाइपोल होता है लोन पेयर का। ध्यान से सुन लो, लोन पेयर का अगर डाइपोल बनाना है तो ये लोन पेयर जिस तरफ बनाया उस तरफ हम बनाते हैं। तो आप ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखो, क्या डाइपोल ये कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना भाई, इनका रिजल्टेंट यहां आएगा नीचे और ऊपर लोन पेयर है, तो वो वेक्टर एक दूसरे को काट ही नहीं सकते ना, क्यों? लोन पेयर अलग है और इनका रिजल्टेंट अलग आएगा। तो मैं डायरेक्ट देख के ये बता सकता हूं कि म्यू रिजल्टेंट क्या आने वाला है? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मॉलिक्यूल क्या है? पोलर।
तो इसमें पोलर बॉन्ड है क्या? बोलोगे यस पोलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। यहां क्या था? मॉलिक्यूल नॉन पोलर लेकिन बॉन्ड पोलर। ठीक है, और समझो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, समझ में आ जाएगा। H2O ये कैसा होता है? ऐसा बताओ जरा, डाइपोल की डायरेक्शन किधर बनाऊंगा मैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अगर लोन पेयर दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा दो ऐसे, ठीक है, इसका इधर और इसका इधर। बताओ ये काटेंगे क्या एक दूसरे को? नहीं काटेंगे ना भाई, ये एंगल 180 थोड़ी है, 104 है ये तो, या फिर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 थोड़ी है, कटेगा थोड़ी। इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा? नॉट जीरो, मतलब मॉलिक्यूल क्या है? पोलर। इस तरीके से करना है, बहुत आसान है। अगला देख लो एक और। अगर मैं XeF2 की बात करूं, XeF2 की बात करूंगा तो ध्यान से देखना जरा, XeF ये लोन पेयर इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास ट्रायंगल में, देखो ये ट्राइगोनल बोलूंगा ना, ट्रायंगल में सेम एटम लगे हैं तो सबका मिला के म्यू रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, ठीक है। अभी मैं BF3 के एग्जांपल से समझा दूंगा। इसका और इसका चेक कर लो भाई, इसका फ्लोरीन की तरफ इधर और ये इधर, ये एक दूसरे के क्या अपोजिट, तो ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जीरो। और लोन पेयर वालों का तो वैसे भी जीरो होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? नॉन पोलर। लोन पेयर वालों का जीरो कैसे होगा? अगर आप इन लोन पेयर का रिजल्टेंट निकालोगे, इसको मान लो म्यू वन, इसको म्यू वन, ये एंगल 120, तो इधर रिजल्टेंट वो भी म्यू वन ही आएगा, ठीक है, कॉस 120 पे, वो इसको काट देगा, फिर ऐसा होता है। अभी BF3 का देखना तो समझ में आ जाएगा। तो ये चारों के आप देख लो डायपोल मोमेंट कैसे निकाले हमने, कंपेयर कराना है, कैलकुलेट नहीं करना। डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट जीरो है कि नॉन जीरो, ये बस बताते जाओ और उसके अकॉर्डिंग सेट करते जाओ पोलरिटी और नॉन पोलर, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे तीन वाले केस लेते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं थ्री वाले केसेस। देखो जरा, 3031 3232 शेप तो आपको पता ही है, 30 पे होता है ट्राइगोनल प्लेनर, 31 पे ट्राइगोनल पिरामिडल, 32 पे टी शेप। ये मैंने एग्जांपल लिए, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला बता रहा हूं मैं, नंबर वन, यहीं से शुरू कर देते हैं। BF3, तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है? BFFF, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इसका डायपोल का डायरेक्शन इधर, इसका इधर और इसका इधर। अगर इसका डायपोल मैंने म्यू वन माना है तो ये भी म्यू वन और ये भी म्यू वन, क्योंकि सभी एटम सेम ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो इधर आएगा, तो म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या आएगा? अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू, वो भी तो म्यू वन ही है, तो म्यू वन स्क्वायर कॉस 120 हो जाएगा। कॉस 120 कितना होता है? -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस म्यू वन स्क्वायर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा ये, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर, और यहां से आएगा -1/2 लिया, 2 से 2 कट गया तो म्यू वन स्क्वायर बचेगा यहां पे, है ना, ये इससे कट गया तो अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर मतलब म्यू वन आ गया। इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम हो और उसका रिजल्टेंट 120 डिग्री एंगल पे निकाल रहे हो, 120 डिग्री एंगल उन दोनों वेक्टर के बीच का है, तो रिजल्टेंट भी सेम ही आता है, ठीक है, इस फॉर्मूले से देख रहे हो आप। तो इसका रिजल्टेंट क्या है? म्यू वन। अब ये इसको काट देगा, अपोजिट आ गया ना, इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट ओवरऑल जो आया वो क्या आया? जीरो आया। मॉलिक्यूल क्या बोलोगे? नॉन पोलर। इस तरीके से अगर इनमें से एक भी मैं अलग कर देता तो फिर मॉलिक्यूल पोलर हो जाता, क्योंकि जैसे मान लो F की जगह Cl कर देता मैं, तो Cl का कुछ अलग आ जाता डाइपोल, वो उसके बराबर थोड़ी आता फिर म्यू वन के, है ना। आगे बढ़ते हैं, NH3 पे चलते हैं, सेकंड नंबर। अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये है आपके पास पिरामिडल, ठीक है, और एक लोन पेयर है, तो अपन ज्योमेट्री के हिसाब से बोल सकते हो टेट्राहेड्रल, ठीक। तो क्या होगा? इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर जाएगा, लोन पेयर का ऊपर होता है, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा। आप देखो जरा, कोई भी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सबके सब कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब म्यू रिजल्टेंट डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्या? नॉट जीरो। मॉलिक्यूल क्या बोल दूंगा? पोलर, ठीक है, समझ गया होगा अब बात को। तीसरा देखो, CLF3, CLF3 क्या होता है? टी शेप और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, तो CLFF ये लगा दिए मैंने दो, और लोन पेयर कितने होंगे? दो होंगे, तो एक काम करता हूं F यहां ले लेता हूं और एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ध्यान से देखना जरा, ये वाला इसको काट देगा, ठीक, और ये वाला इधर से किसी को नहीं काटेगा। इसका मतलब ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया?
नॉन जीरो मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। तो बहुत ईजी है चेक करना, है ना, बस आपको शेप और ज्योमेट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो कि VACPR में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। जिन लोगों ने नहीं देखा है VACPR का वीडियो, जाके देख लो, ठीक है, पहले वो देखो फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट पे आना। आप नोट करो इसको, फिर फोर वाले केसेस पे चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर वाले केसेस पे चलते हैं, ध्यान से देखना जरा। 40 41 42 40 पर एग्जांपल है CH4 टेट्राहेड्रल। 41 होता आपका सीसॉ शेप और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री SF4। 42 पर होता ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर शेप XEF4। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला देखना, अगर CH4 के बारे में बात करें तो CH H H और H, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की, तो इसका इधर जाएगा वेक्टर, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा। अब होगा क्या, ओवरऑल जो तीनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे से, वो ऊपर वाले को कैंसिल कर देता है, क्योंकि एंगल सबके सिमिलर है 109.5 डिग्री। तो म्यू रिजल्टेंट क्या आने वाला है, जीरो, मतलब मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, नॉन पोलर। अच्छा बताओ पोलर बॉन्ड है क्या, बोलोगे यस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा देखना जरा, SF4 में जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या है इसका, सीसो। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इस तरीके से है ये, एक लोन पेयर भी है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको नहीं काटेगा, और लोन पेयर का भी इसको नहीं काटेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इनका कैंसिल नहीं होगा। तो म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। यहां मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर, यहां क्या हो गया, पोलर। ठीक है, बहुत आसान है। तीसरे नंबर पे चलो, XEF4 पे चलेंगे। XEF4 में ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल कैसे होगी, XE1 2 3 4, F F F और F, एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे, ठीक है, इस तरीके से दिखती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ध्यान से देखना, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, तो ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं, नोट करो, फिर फाइव वाले केसेस पे चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अगले केसेस, पांच वाले, ठीक है, ध्यान से देखना। 50 51 52 50 का एग्जांपल ले रहा हूं PCl5, ठीक है, 51 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं IF5, 52 का एग्जांपल ले रहा हूं XEF5-। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला देखना, अगर PCl5 की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा, दो Cl ऊपर, एक Cl यहां, एक इधर, एक इधर। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये वाले Cl का ये काट देगा डाइपोल, और ये ट्रायंगल में सेम है ना, तो ये BF3 जैसा हो गया। क्यों, इसका μ1 मानेंगे तो इसका μ1, एंगल 120 तो रिजल्टेंट μ1, और इसका भी μ1 कट जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल μ रिजल्टेंट क्या आने वाला है इसका, जीरो, मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, नॉन पोलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला IF5 के बारे में बात करेंगे। IF5 कैसा होता था, 5+1 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी, तो आई ऐसा 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 ऐसा, एफ 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 एफ, नीचे एफ और ऊपर लोन पेयर। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर, ये इसको काट देगा, इस वाले का इसको काट देगा, इसका नीचे और इसका ऊपर, ये नहीं काटेगा, इसका मतलब ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट क्या आने वाला है, नॉट जीरो, मतलब पोलर। ठीक है, यहां क्या था, नॉन पोलर, इधर क्या है, पोलर। अगला देखना, थर्ड नंबर पे XEF5-, ये क्या होता था, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से दिखता था XE1 2 3 4 5, पांच फ्लोरीन ऐसे लगे हैं, और एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर क्या है, नीचे है, ऐसा ही होता है ये। तो लोन पेयर का क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर का इसको काट देगा, लेकिन यहां ध्यान से देखना, ये देखना ध्यान से, ये क्या बन रहा है, पेंटागन बन रहा है, और रेगुलर ज्योमेट्रीज में अगर साइड एटम सेम हो तो उसका भी म्यू रिजल्टेंट जीरो होता है, जैसे ट्रायंगल हो, टेट्राहेड्रल हो, या पेंटागन हो, या हेक्सागन हो, अगर साइड एटम सारे सेम है तो म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, मतलब क्या होता है ये, नॉन पोलर। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं,
नोट करो, फिर सिक्स वाले केस इस पे चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अगला वाला सिक्स का केस, ध्यान से देखेंगे। सिक्स जीरो, सिक्स वन, सेवन जीरो भी लिख देता हूं इसमें, ठीक है, जगह है तो लिख ही देते हैं। सिक्स जीरो क्या होता है? ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल वाला एग्जांपल बता दो। एस एफ सिक्स, यह एक्स ई एफ सिक्स और यह आई एफ सेवन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। पहला एस एफ सिक्स होता है ऑक्टाहीड्रल, कैसा होगा? एस एक दो तीन चार पांच छ, एफ 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 और एफ, ठीक है। देखो जरा इस वाले का ये काट देगा, इस वाले का ये काट देगा, इस वाले का ये काट देगा डाइपोल, ठीक है। तो म्यू रिजल्टेंट क्या आने वाला है? जीरो, मतलब नॉन पोलर, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो एक्स ई एफ सिक्स, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। एक्स ई एफ सिक्स क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल होगा, क्यों? एक लोन पेयर भी होता है इसके पास, एक्स ई, ऐसा 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 और थोड़ा सा ऐसा, तो ये क्या हो गया? ऑक्टाहीड्रल जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ा टेढ़ा ऑक्टाहीड्रल है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब ये टेढ़ा है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट ही कर लो अब तो भाई, लोन पेयर ने इसको रिपेल किया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया ना, तो अब ये इसको थोड़ी काट पाएगा, इधर उधर का कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है? एफ वाला इसको नहीं काट पाएगा ना, अपोजिट नहीं रहेगा ये, इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट क्या आने वाला है? नॉट जीरो, मतलब क्या बोल दोगे? सीधा सीधा पोलर, ठीक है, समझ गए बात को। तीसरा और लास्ट आई एफ सेवन, आई एफ सेवन कैसे बनाते हो? आई एक दो तीन चार पांच छ और ये सात, तो पांच फ्लोरीन आ गए किसमें? पेंटागन बना लिया और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तभी तो बोलते हो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऐसा। तो रेगुलर ज्योमेट्री में पेंटागन वाला आ गया तो उसका तो जीरो होता है और इसका ये काट देगा, तो म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया? जीरो, मतलब नॉन पोलर, ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। अब आप क्या करोगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, उसको लगा देना तो जल्दी हो जाएगा आपका काम, ठीक है, नोट करो इसको, फिर बताता हूं मैं। चलो डायरेक्ट तरीका समझ लें अपन, ध्यान से देखना जरा। अभी जो हमने पढ़ा उस सबका निचोड़ क्या है, वो ये है कि आप ध्यान से देखो, जब कभी भी लोन पेयर तुम्हारा जीरो आता था, देख लो आप पीछे जाके पूरा, जहां भी लोन पेयर जीरो आएगा, मतलब टू जीरो का केस हो, थ्री जीरो का केस हो, फोर जीरो का केस हो, फाइव जीरो का केस हो, सिक्स जीरो का केस हो या सेवन जीरो का केस हो, मतलब दो बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर वाला, मतलब लोन पेयर जहां जीरो आ रहा है उन सभी का म्यू रिजल्टेंट जीरो आ रहा था, मतलब वो सभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर थे। बस ये ध्यान रखना कि साइड एटम सेम लगे हों, अगर साइड एटम अलग अलग कर दिए तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि म्यू रिजल्टेंट नॉट जीरो। जैसे बीई एफ टू का, ध्यान से देखो बीई एफ टू था, अगर मैं इसके बारे में बात करूं लोन पेयर जीरो आ रहा था, ठीक है, इसलिए म्यू रिजल्टेंट जीरो था, लेकिन अगर मैं इसमें एक जगह सीएल और एक जगह एफ, तो अब वेक्टर थोड़ी कटेंगे, सीएल का अलग डाइपोल होगा, एफ का अलग होगा, तो इसका तो म्यू रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो, लेकिन इसका म्यू रिजल्टेंट फिर आया जाएगा नॉन जीरो। तो ये ध्यान रखना, जितने भी लोन पेयर जीरो वाले केस हैं और साइड एटम सेम हो, साइड एटम क्या हो? सेम हो, तो उसका म्यू रिजल्टेंट जीरो आता है, पहला पॉइंट। और अगर साइड एटम अलग हो गए तो उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने कि इसका और इसका वेक्टर अलग अलग होगा तो कटेगा नहीं, इसका और इसका कट जाएगा, समझ गए बात को। तो ध्यान से देखो, जो पीछे हमने पढ़ा उसी का ही निचोड़ निकाल के बता रहा हूं आपको कि क्या आ रहा था। लोन पेयर जीरो, साइड एटम सेम, डायपोल मोमेंट जीरो, सीधा सीधा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक ये पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट ये बन रहा है कि टू थ्री, फोर टू और फाइव टू, इन तीन केसेस का म्यू रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका लगाओगे ना, देखो सारी की सारी कहानियां एक ही जगह आती हैं, हाइब्रिडाइजेशन जिस तरीके से मैंने निकाला है उसी से ही मैंने वीएसईपीआर थ्योरी कनेक्ट करी है और उसी से ही डायपोल मोमेंट, और ये तीन बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, एक ही तरीके से तीन क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर तीन, इस तरीके से हम निकाल लेते थे हाइब्रिडाइजेशन में। तो टू थ्री वाला ध्यान रखो, टू थ्री में क्या आता था? एक्स ई एफ टू,
2, 4 में क्या आ रहा है XEF4 और 5 में क्या आ रहा है XEF5 नेगेटिव। तो ये ज़ीनॉन वाले केसेस आ गए यहां पे, ठीक है। लेकिन हर एक में ऐसा मत कर देना, हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और केस भी बन जाए। भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं IF4 नेगेटिव, तो वो भी XEF4 के बराबर ही बनेगा 4-2 वाला केस। तो बस आप ये ध्यान रखो 2-3 वाला, 4-2 और 5-2 इनका म्यू रिजल्टेंट 0, मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। इसके अलावा सारे पोलर हैं, इसके अलावा सारे पोलर आ रहे हैं, आप पीछे जाके भी चेक कर सकते हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, मुझे पोलर और नॉन पोलर बताना है, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर, एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं XeO2F2, बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो करना क्या है, अब आपको डायग्राम से चेक नहीं करना, जो मैंने तरीका सिखाया इससे करना है। अंडरलाइन करो वैलेंस इलेक्ट्रॉनेट, अरे ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। देखो 8- एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 ऑक्सीजन 4 कर लेगा, 2 फ्लोरीन 2 कर लेगा, 1 फ्लोरीन 1 करता है ना, तो 2 फ्लोरीन 2, 8-6 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। और एक लोन पेयर आ गया तो भाई साहब ये देख लो, यहां पर लोन पेयर 0 या लोन पेयर 2-3 में ही डायपोल मोमेंट 0, लोन पेयर 1 आ गया यहीं पर ही बोल दो, कुछ आगे करना ही नहीं है, यहीं पे बोल दो कि भाई साहब इसका म्यू रिजल्टेंट क्या आने वाला है, नॉट 0, और मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, पोलर। समझ रहे हो बात को, बहुत आसान है। एक ये दूसरा देखना, अगर मैं आपसे बोलूं IF4 नेगेटिव, ठीक है, चेक करो अंडरलाइन करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 नेगेटिव लगा 8 हो गए, तो 8-4 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अच्छा 2 लोन पेयर, ओ 2 लोन पेयर में तो ऐसा हो सकता है 4-2 और 5-2 का केस, 2 लोन पेयर में 4-2 और 42-52, ध्यान रखना 4-2 और 5-2 का केस क्या होता है, म्यू रिजल्टेंट 0। निकाल लो जरा, 4 क्या है बॉन्ड पेयर या 4 सिग्मा, और 2 क्या आ गया लोन पेयर। लो भाई साहब 4-2 आ गया, म्यू रिजल्टेंट क्या बोल दोगे 0, मतलब क्या बोल दोगे नॉन पोलर। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है मैंने बता दिया है, अगर लोन पेयर 1 आता है तो वहीं लिख दो पोलर, लोन पेयर 0 आता है साइड एटम सेम है तो लिख दो नॉन पोलर, लोन पेयर अगर 2 आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है तो नॉन पोलर, अगर लोन पेयर 3 आते हैं तो 2-3 वाला केस नॉन पोलर, ठीक है, म्यू रिजल्टेंट 0। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको अप्रोच करना है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है, नोट कर लो। फिर डायपोल मोमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं डायपोल मोमेंट के, बहुत ध्यान से देखना जरा। पहला एग्जाम्पल ये है कि डायपोल मोमेंट म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, अमोनिया का NF3 से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है और 3H लगे हुए हैं इस तरीके से, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और 3 क्या लगे हुए हैं F, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां पर है, NH बॉन्ड में और NF बॉन्ड में, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा, तो डाइपोल इधर बनेगा, इसका इधर और इसका इधर, इसमें डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है और लोन पेयर का डाइपोल उसी की डायरेक्शन में हम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ जरा यहां पर गौर से देखो, ये 3 बॉन्ड का डाइपोल और इसका लोन पेयर का डाइपोल सारे ऊपर जा रहे हैं, मतलब सारे के सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं, जबकि यहां पर ये तीनों वेक्टर नीचे आएंगे और ये ऊपर वाला को कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा, पूरा तो कैंसिल नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा किससे, इससे, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, सेकेंड नंबर पर डाइपोल मूवमेंट म्यू ऑफ CH3Cl ये ज्यादा होता है CH3F से, CH3Cl का ज्यादा होता है किससे, CH3F से, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, कार्बन के साथ लगा है फ्लोरीन और 3 लगे हुए हैं H, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कार्बन के साथ लगा है फ्लोरीन और 3 लगे हुए हैं H। अब अगर मैं डाइपोल की डायरेक्शन बनाऊं तो कैसे बनेगी, कार्बन की तरफ बनेगी, क्यों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कार्बन की ज्यादा होती है, यहां भी ऐसा ही होगा और यहां Cl की तरफ बनेगी और यहां F की तरफ। अब जरा गौर से देखो, कई लोग इसमें गलती ये करते हैं कि सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां ज्यादा पोलैरिटी हो जाएगी तो उसका डाइपोल बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ Q इनटू D
और जब Q into D का प्रोडक्ट है तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा ये, है ना। तो Q into D का जो प्रोडक्ट है वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का ज्यादा होता है कंपेरिजन टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। बाकी तो इसमें कॉमन है, डिफरेंस कहां आ रहा है, इसमें CCl बॉन्ड है, उसमें CF बॉन्ड है। तो Q into D अगर इसका ज्यादा है मतलब डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, किससे, CH3F से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे चलते हैं, CH3F और CD3F, इसमें अगर कंपेयर कराऊं तो CD3F का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम ऐसे लिखें, C के साथ क्या जुड़ा है, F, और तीन क्या जुड़े हैं, H, C के साथ क्या जुड़ा है, F, और तीन क्या जुड़े हैं, D। अब यहां पर एक्चुअल में D जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा अच्छे से करता है कंपेरिजन टू H। इसको हम डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में प्लस आई इफेक्ट में पढ़ेंगे कि ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। बस आप अभी ये ध्यान रख सकते हो कि D इज मोर पॉजिटिव देन H। इसका मतलब क्या है, D के इलेक्ट्रॉन जो CD बॉन्ड है उसकी पोलरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड मूवमेंट ज्यादा होगा, और बॉन्ड मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो CD3F का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है CH3F से, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला नंबर पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे अगला एग्जांपल क्या है, CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, फिर CH2Cl2 का ज्यादा होता है, फिर CHCl3 का, और लास्ट में CCl4 का, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखना जरा। वैसे देखो डाइपोल मोमेंट के जितने भी ऑर्डर मैं यहां लिख रहा हूं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। हम सिर्फ एक चीज समझ रहे हैं कि किसका डाइपोल ज्यादा और किसका कम। तो हम इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कार्बन ने यहां Cl लगाया और 3H है, ठीक है, ये हम याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, एक Cl, एक Cl, एक H और एक H। यहां क्या है, Cl, Cl, Cl और एक H, और यहां क्या है, CCl4। अच्छा CCl4 का तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका तो म्यू जीरो हो जाएगा, क्यों, रेगुलर ज्योमेट्रीज में हम मानते हैं इसको रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा, इसका मतलब म्यू जीरो होगा, ठीक, 4-0 का केस हो गया ये। जबकि यहां पर क्या है, साइड एटम अलग हो गए ना, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल अगर ऊपर बनाऊं, इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका ऊपर, सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, यहां पर एक Cl ऊपर है, एक नीचे है, और दो H ऊपर की तरफ जाएगा इसका CH बॉन्ड का डाइपोल, तो ये तीन यहां पर ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे जा रहा है, ऐसा याद रखने के लिए कर सकते हैं, एक ऊपर दो नीचे और ये भी ऊपर, मतलब दो ऊपर दो नीचे आ रहे हैं, और इसका तो जीरो है, तो हम ऐसा याद रखने के लिए कर सकते हैं कि यहां चारों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां पर एक दो तीन ऊपर की तरफ, एक नीचे, और इसमें एक दो ऊपर की तरफ और दो नीचे, मतलब इसमें सारे ऐड हो रहे हैं, तो कोई कैंसिलेशन नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा यहां पर तीन ऐड और एक कैंसिल कर रहा है, यहां पर दो ऐड और दो कैंसिल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम समझने के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर पे चलेंगे, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, यहां पे भी म्यू लिख लो आप, है ना, ये म्यू का ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो इसका बेंजीन के ऊपर एक OH लगा है, एक नीचे OH लगा है, इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे, Cl और Cl, इससे, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है इससे। एक्चुअल में क्या होता है, बेंजीन की कुछ पोजीशन होती है, जैसे अगर मैं आपको पोजीशन समझाऊं तो बेंजीन के बारे में अगर हम बात करें, सपोज यहां पे कोई ग्रुप लगा है जी, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, बाकी ऑर्गेनिक में समझेंगे। अगर बेंजीन पे ग्रुप लगा है जी, तो ये जो पोजीशन है कौन सी वाली, उसकी एडजेसेंट वाली, ये कार्बन होते हैं, पता है, ये सब क्या है, कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये होती है पैरा पोजीशन, ठीक है। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑर्थो, M का मतलब क्या हो गया, मेटा, और P का मतलब क्या हो गया, पैरा। और ऐसा तभी होता है जब बेंजीन पे पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ हो, उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इस OH के रेस्पेक्ट में ये OH कहां लगा है, बोलोगे पैरा। इस Cl के रेस्पेक्ट में ये Cl कहां लगा है, बोलोगे पैरा। तो अपोजिट अगर लगा है तो पैरा, मतलब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है तो दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना जानकारी रख सकते हो, ये सब क्या है, यहां पर कार्बन है, और ये बीच में गोला मारने का मतलब क्या है, बीच में गोला लगाने का मतलब अल्टरनेट यहां पर डबल बॉन्ड है। आप ऐसे भी लगा सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल यहां सिंगल कर दो, यहां डबल, यहां सिंगल कर दो, यहां डबल, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में कवर करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि बेंजीन की क्या क्या पोजीशन होती है, आगे बढ़ते हैं।
इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा क्यों बोला? एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो डायग्राम होता है इसके अराउंड, इस ऑक्सीजन के अराउंड अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा बेंट होता है O के साथ H, और यहां पर ऐसा बेंट होगा, जबकि यहां पर क्या होता है Cl ऊपर लगा है और Cl कहां लगा है, नीचे। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले बॉन्ड के मूवमेंट की, तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को वेक्टर, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी करेंगे। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल आएगा, मतलब म्यू नॉट जीरो, जबकि यहां क्या है सीएल का ऊपर और यहां नीचे, तो इसका म्यू क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब इसका ज्यादा होगा इससे। अच्छा, कई लोगों को यह कंफ्यूजन होता है, सर आपने इसको राइट साइड क्यों बनाया? आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो भाई, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आप ऐसे बना लो इसको, भाई बेंट ही तो बनाना है। तो इसका डायरेक्शन इसका कैंसिल हो जाएगा डाइपोल, और इसका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये चीज है। देखो डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आता है। इसका मतलब हमें कौन सी शेप लेनी पड़ेगी, ऐसी वाली, ये वाली नहीं मानेंगे, ठीक है। सेम टू सेम यही काम किस में हो सकता है, OH की जगह अगर SH कर देना, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा देना, तब भी सेम यही होगा, मतलब म्यू नॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन वाले का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू सल्फर वाला, है ना। तो इस तरीके से हम कंपेयर कराते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखो। पांच एग्जांपल हो गए थे हमारे, सिक्स्थ एग्जांपल क्या है, डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ सिस फॉर्म इज ग्रेटर देन ट्रांस। अब ये सिस फॉर्म क्या होती है, ट्रांस फॉर्म क्या होती है, इसको समझ लो। ये हम डिफाइन करते हैं अल्कीन के लिए, ठीक है, डिटेल में हम आइसोमर जब में पढ़ेंगे, बस मैं सिस ट्रांस बता देता हूं क्या होता है, क्योंकि यहां क्वेश्चन मिल सकता है आपको केमिकल बॉन्डिंग में। अगर मैं इसमें ग्रुप लगाऊं, यहां पर मुझे ग्रुप लगाने, सपोज मैंने यहां पर ग्रुप लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया H। बताओ इधर कार्बन में CH3 ऊपर और H नीचे लगा है, सही बात है। इस कार्बन पे CH3 ऊपर H नीचे, तो ये क्या होगा, सेम साइड, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड then cis otherwise trans, मतलब अगर अपोजिट कर दें तो ट्रांस हो जाएगा। जैसे अगर मैं CH3 को यहां अपोजिट कर दूं, ध्यान से देख लो, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांस। तो इसमें cis और ट्रांस पता करना सीख गए आप, सिमिलर ग्रुप सेम साइड लगा, अच्छा H से भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, HH सेम साइड cis, HH अपोजिट ट्रांस, CH3 सेम साइड से CH3 अपोजिट, तो ट्रांस। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेयर मिले, यहां मान लो मैं इसके अगर OH लगा दूं तब भी चलेगा, CH3 से देख लेंगे ना फिर। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस डिसाइड करते हैं, और म्यू सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, यूजुअली ऐसा होता है। तो सिस का ज्यादा है ट्रांस से, ऐसा क्यों है देखना जरा ध्यान से। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो एक सिग्मा ये और तीन सिग्मा ये, तो चार सिग्मा होगा sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये तो पाई है, तो इसका sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होती है sp3 से, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा, मतलब इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा और इसका इधर बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं कंपेयर कराने में, ठीक है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो ये वाला इसको कैंसिल नहीं करेगा, ये वाला इसको कैंसिल नहीं करेगा पूरा, कुछ हद तक करेगा लेकिन पूरा नहीं करेगा। जबकि यहां क्या होगा, इसका और इसका अपोजिट है, कट जाएगा, इसका और इसका अपोजिट है तो कट जाएगा। तो डायपोल मूवमेंट यूजुअली सिस का ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। अगर यहां ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या आएगा, इसके लिए मैं पर्टिकुलर के लिए क्या लिख सकता हूं, जीरो। लेकिन हमेशा ट्रांस का जीरो ऐसा जरूरी नहीं, मान लो यहां अगर मैं CH3 की जगह C2H5 इथाइल कर देता तो डायपोल मूवमेंट कम तो आता लेकिन जीरो नहीं आता फिर, समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूं। अगर ये ग्रुप सेम लगे हैं तो डायपोल मूवमेंट जीरो आएगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, नॉट जीरो, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, सिस और ट्रांस बना के ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन देने की वजह खींचने लगे, तो फिर ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना जरा, सी डबल बॉन्ड सी, थोड़ा ध्यान से थोड़ा देख लो, क्योंकि ये चीज क्या है ना, एकदम से नई है आपके लिए, ठीक है, जो 11th में भी बच्चे हैं उनके लिए एकदम से नई है।
अगर आपको ऑर्गेनिक का थोड़ा सा भी आइडिया है, आइसोमेरिज्म का, सिस्टांस वगैरह का, तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। जीओसी का आइडिया तो जल्दी समझ जाओगे। जिनको नहीं आइडिया है तो जो मैं बताते जा रहा हूं बस इतनी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी, अगर मैंने यहां लगा दिया सी एच थ्री, यहां लगा दिया सी एल, इधर एच और इधर एच, ध्यान से देखना आप। तो अभी भी मैं सिस बोलूंगा इसको, ठीक है। इसका एक अगला एग्जाम्पल सेवेंथ नंबर पर बता रहा हूं मैं, ठीक है। सिक्स हो गया, सेवेंथ। और ये देखना जरा, सी डबल सी, इधर सी एल, यहां सी एच थ्री, इधर H और इधर H, ठीक है। अब देखना आप सी एस थ्री क्या करेगा, इधर देगा इलेक्ट्रॉन, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर और इसका इधर, मतलब ये वाला इसको कुछ हद तक काटेगा, ये वाला इसको कुछ हद तक काटेगा, लेकिन यहां क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और ये, सॉरी ये डायरेक्शन उल्टी बना दी मैंने, सी एल अपना खींचेगा इधर, ठीक है। तो होगा क्या, एच देगा, सी एल का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये कुछ हद तक काटेगा इसको, ठीक। यहां क्या है, सी एस थ्री देगा और सी एल खींचेगा। अच्छा, सी एल क्यों खींचेगा, क्योंकि सी एल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। जबकि यहां क्या है, एच और सी एल, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। यहां सी एस थ्री और सी एल, ये सेम डायरेक्शन में, जबकि सी एस थ्री के बारे में अगर मैं बोलूं तो सी एस थ्री इज मोर पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, जिसको मैं अगर इंडक्टिव इफेक्ट से कनेक्ट करूं तो सी एस थ्री का प्लस आई ज्यादा होता है एच से, तो इसका डोनेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब ट्रांस का ज्यादा होने लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस ये ध्यान से समझ लो क्या करना है। अगर मेरे पास यहां अल्काइल ग्रुप आ गए तो सिस ज्यादा ट्रांस है, ठीक। और अगर एक सी एस थ्री और एक हैलोजन आ गया तो ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा, किससे, सिस से, जिसको हम आगे कनेक्ट करके चलेंगे। जीओसी में भी एक बार फिर से मैं बताऊंगा डाइपोल मोमेंट, वहां पर भी उसमें जब अपन इंडक्टिव पढ़ लेंगे ना, प्लस आई और माइनस आई, तब मैं वहां ऐसे बोलूंगा कि अगर दो सेम टाइप के लगे, प्लस आई या माइनस आई, तो क्या होगा, एक प्लस आई एक माइनस आई, तो क्या होगा, ठीक है। अभी आपको प्लस आई और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अभी आपको ध्यान नहीं देना है। बस मैं क्या बता रहा हूं, जो मैं यहां बता रहा हूं बस उतना ही ध्यान देना है। मिथाइल मिथाइल सेम साइड, अगर मिथाइल मिथाइल आ गए तो सिस का ज्यादा ट्रांस है, एक मिथाइल और एक हैलोजन आ गया तो म्यू के बारे में बात करेंगे तो सिस का क्या होगा, कम, और एक आ गया क्या, सिस और ट्रांस में ट्रांस का ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, आप फिर से बोल रहा हूं, मिथाइल मिथाइल या अल्काइल ग्रुप आ गए तो सिस का ज्यादा ट्रांस है, अल्काइल एक अल्काइल को रिप्लेस कर दो हैलोजन से तो ट्रांस का ज्यादा हो जाता है सिस से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एट्थ नंबर पर चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां मैंने लगा दिया एनओ टू सपोज, ठीक है, और इसके ऑर्थो पर NO2, एक बार मैंने लगा दिया मेटा पे, पोजीशन मैं आपको बता चुका हूं ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। और ये मैंने लगा दिया आपका कहां पे, NO2 पैरा पे। तो ध्यान से देखो, NO2 की अगर बात करूं तो NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो NO2 खींचता है तो ये इधर डायरेक्शन जाएगा, दो वैक्टर के बीच का एंगल क्या बन रहा है यहां पर 60 डिग्री, यहां क्या होगा, ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या बन रहा है यहां 120, ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या बन रहा है यहां 180। आपको ये पता है कि थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता है और म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाता है, कम, ये आप जानते ही हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो अगर थीटा से मैं चलूं, इसको मैं लिख रहा हूं ए, इसको लिख रहा हूं बी, इसको लिख रहा हूं सी, तो बताओ जिसका थीटा ज्यादा उसका म्यू रिजल्टेंट कम, तो जिसका थीटा कम उसका म्यू रिजल्टेंट ज्यादा, तो ए फिर बी और फिर सी, इस तरीके से कंपेयर कराओगे आप, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब और क्वेश्चन देख लो एक बार, इसके इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हैं, आठ हो गए थे, नाइन्थ नंबर पे देखना। अगर मैं बेंजीन में इधर लगा दूं सी एच थ्री और इधर लगा दूं एनओ टू, ध्यान से देखते जाना, ऑर्थो पे लगा दिया, एक लगा दिया मैंने मेटा पे और एक लगा दिया मैंने पैरा पे, ठीक है। अब होता क्या है, सी एस थ्री क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और एनओ टू खींचता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सी एस थ्री देगा मतलब डायरेक्शन इधर, एनओ टू खींचेगा डायरेक्शन इधर, तो इसकी ऐसी 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 और ऐसी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, आगे खींच के ला रहा हूं इसको पीछे, तो ये ऐसा बनेगा,
इस तरीके से, अगर मैं इस वेक्टर को यहां ले आऊं, इसको यहां ले आऊं, तो ऐसा दिखेगा आपको इस पॉइंट पे, अगर दो वेक्टर को सुपर इम्पोज करें एक तरीके से, है ना। तो ये क्या है एंगल 120 ऐसा, ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे ले आया दोनों वेक्टर। इधर बताओ जरा, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा था और इसको उठा के यहां ले आए, तो ऐसा दिखेगा कितना एंगल आ रहा है 60 डिग्री। इधर क्या है, ये ऐसा आ रहा था और दूसरा भी ऐसे ही आ रहा है, तो एंगल में कितना बोल सकता हूं थीटा 0। और आपको ये पता है कि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा और म्यू रिजल्टेंट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो जिसका थीटा कम उसका म्यू रिजल्टेंट ज्यादा। तो अगर मैं इसको लिखूं ए, इसको लिखूं बी, इसको लिखूं सी, तो सी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी का, और सबसे लास्ट में क्या आएगा ए, तो इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, ध्यान से ध्यान रखना जो मैंने ग्रुप बताया, बस उतने ही ध्यान रखो अभी। अगर अल्काइल ग्रुप आता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, NO2 ग्रुप आता है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, Cl हैलोजन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और D ज्यादा पॉजिटिव होता है H से, मतलब D ज्यादा डोनेट करता है कंपेरिजन टू H, ये भी ध्यान रखना अभी, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं, बेंजीनिंग वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये है, इफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ, इफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज सपोज x डिवाई, देन फाइंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस कंपाउंड में वेक्टर की डायरेक्शन बना लो, इसका ऊपर जाएगा, इसका नीचे, इधर खींचेगा, हैलोजन खींचते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, हैलोजन की तरफ डायरेक्शन बनेगी। अब जरा गौर से देखो, इसका ये कैंसिल कर देगा, बस ये दोनों बचेंगे, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ऐसा ऐसा, और ये एंगल कितना आएगा इसके बीच का 120। भाई ये एंगल इसके बीच का कितना है 120। अगर मैं बेंजीन रिंग के लिए आपको एंगल के बारे में बताऊं तो कैसा होगा, ध्यान से देखो, जैसे रिंग थी, तो अगर मैं एंगल देखूंगा कहां से, अगर मैं ये वाला एंगल देखूं इधर से लेकर ऑर्थो ग्रुप का, तो ये होगा 60। अगर मैं यहां और चले जाऊं तो फिर से 60, और इधर आ गए तो फिर से 60, ऐसा, ठीक है, ये एंगल होता है। तो ऑर्थो पे 60, मेटा पे 120 हो जाएगा टोटल 60 60, और पैरा पे 180 हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पर है, तो एंगल 120। अगर इस वेक्टर का मैं बोलूं एक्स डिवाई है, इसका एक्स डिवाई है डायपोल मूवमेंट, ठीक है, तो क्या होगा नेट म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, म्यू रिजल्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस 120, और कॉस 120 क्या होता है माइनस हाफ, तो 2 से 2 उड़ा देंगे, यहां माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसा दिखेगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, ये माइनस 1/2 होता है, ठीक है, ये उड़ा दो तो ये क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स, मतलब जो डायपोल मूवमेंट इसका था वही डायपोल मूवमेंट इसका आएगा, देख लो आपके सामने। तो इस टाइप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, है ना, नोट करो, फिर मैं डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। चलो डाइपोल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा। पहला क्वेश्चन ये बोला विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट, ध्यान से देखना, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इसका इधर, इसका इधर, हैलोजन का उसी तरफ जाता है, ठीक है, हैलोजन जहां लगा हुआ है, कार्बन हैलोजन में, हैलोजन इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस वाले में डायरेक्शन बना देता हूं पहले सारी, तो हैलोजन की तरफ बना देना डायरेक्शन ऐसा, देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है 0, इसका ये कैंसिल कर देगा, इस वाले का ये कैंसिल कर देगा। अगर मैं सिर्फ इस बॉन्ड का डायपोल सपोज x मानता हूं, तो यहां पर x है, ठीक है, यहां देखना जरा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा ये 120 एंगल पर है ना, तो ये यहां निकलेगा, और रिजल्टेंट वही निकलता है 120 एंगल पे जो यहां पर रहता है डायपोल। तो अगर मैंने इसका x माना है, इसका x माना है, इसका x माना है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का x ही आएगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा, cos 120 है ना, जबकि यहां क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, x पहले से था, अब x और आ गया, तो 2x हो गया ये, भाई इन दोनों का रिजल्टेंट 120 एंगल पे जो है उसका इस तरफ आएगा ना, रिजल्टेंट कितना आएगा, x आएगा, ठीक, 120 एंगल पे सेम रिजल्टेंट आता है, और ये पहले से एक f लगा हुआ है, तो x आएगा, मतलब ये ओवरऑल कितना हो गया 2x, तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट किसका हो गया a का, इस तरीके से चेक किया करो, है ना। एक और कर लेते हैं, कंपेयर डाइपोल मूवमेंट इन सब में कराना है, ये मैंने अभी पीछे एग्जांपल में भी करवाया आपको, CH3 Cl का ज्यादा होता है किससे, CH3F से, क्यों, Q into D ज्यादा होता है,
फिर उसके बाद क्या आता है CH3Br और फिर क्या आता है CH3I। ठीक है, यहां पर Q into D उतना डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है, तो सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर देंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन में देखना जरा, इसका डाइपोल इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका डाइपोल इधर और इधर, ये दोनों सेम लगे हैं, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो म्यू इसका क्या आ गया, जीरो आ गया। अच्छा, बी वाले में बहुत ध्यान से देखना, ये कार्बन क्या है, sp3 है, वो तो आपको ऐसा बना के इसलिए बताया कि आप गलत करो, गलत मत कर देना कि सर इसका इधर कैंसिल, एच वाला भी कैंसिल, अपोजिट है, ऐसा नहीं है, ये sp3 है तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है और टेट्राहीड्रल में यहां पर साइड एटम अलग अलग लगा दिए तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, नॉट जीरो। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने CH3Cl CH2Cl2 वाले में करवाया आपको पीछे। इसमें देखो जरा CH3 क्या करता है, डोनेट, ये क्या करता है इधर, तो ये तो लीनियर ही रहता है वैसे भी, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को काट देंगे, तो इसका म्यू क्या आ गया, जीरो। अगला देखो PCl5 फाइव बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर वाला केस है और आपको जीरो लोन पेयर में याद है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, अगर आपके पास रेगुलर साइड एटम क्या है, सेम है और जीरो लोन पेयर, तो जीरो, रेगुलर ज्योमेट्री होती है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी जब केमिकल बॉन्डिंग की पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे और भी क्वेश्चन हम इसके लेंगे, नोट कर लो इसमें। फिर एक टॉपिक और बचा है इसमें, परसेंटेज आने करेक्टर निकालना किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। चलो आगे बढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट का आखिरी टॉपिक है हमारा, इसका एप्लीकेशन एक परसेंटेज आने करेक्टर निकालना होता है। देखो, एक तो मैंने आपको पीरियडिक टेबल में बताया था हेन स्मिथ फॉर्मूला वाला, ठीक है, एक यहां पर आप डाइपोल मोमेंट से बता सकते हो। ध्यान से देखना जरा किस तरीके से हम करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का, वो देखना जरा। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड, ये हम निकालेंगे और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आईसी आपका आ जाएगा। म्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्यू इंटू डी से, कैसे, ध्यान से देखना जरा, मैं इस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लो। डायपोल मोमेंट HCl बॉन्ड का दे रखा है 1.03, बॉन्ड लेंथ HCl की है 1.27, मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज आईसी। ध्यान से, पहली बात तो म्यू ऑब्जर्व मुझे दे रखा है कितना, 1.03 डिवाई, म्यू कैलकुलेट कर लेता हूं मैं कैसे, क्यू इंटू डी से। अच्छा, HCl मॉलिक्यूल अगर है, ध्यान से देखना, HCl तो इस पे यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव चार्ज है, अगर चार्ज आपका 1 यूनिट होता है तो ESU में उसकी वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10^-10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको, अगर 2 पॉजिटिव होता तो इसका डबल कर देते, तो क्यू मैंने क्या रखा, 4.8 इंटू 10^-10, डिस्टेंस कितनी है बॉन्ड लेंथ 1.27, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो -8 आता है। ठीक है, मीटर में -10 लेकिन सेंटीमीटर -8, तो ये किसमें आ गया, ESU सेंटीमीटर में आपके यूनिट में ये आ गया। ठीक है, डिवाई, इसको अपन डिवाई में कन्वर्ट करेंगे, अभी ध्यान से देखना, 4.8 और 1.27 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 6.1 आता है और ये 10^-18, अभी ये ESU सेंटीमीटर में, अब मैं इस डाइपोल मोमेंट की यूनिट को कन्वर्ट करूंगा कैसे, 6.1 डिवाई लिख सकता हूं मैं सीधे, क्यों, 10^-18 ESU जो होता है वो डिवाई होता है। ठीक है, तो अगर आपको इससे डिवाई पे आना है तो डिवाइड कर दो 10^-18 से, तो ये क्या आ गया मेरा, म्यू कैलकुलेटेड। परसेंटेज आईसी कितना आ जाएगा, आयनिक करेक्टर 1.03 अपॉन 6.1 इंटू 100, ये सॉल्व करोगे तो यह आता है 16.89% के अप्रोक्स। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है वो समझ लो, मेन दिक्कत बच्चों को क्यू में आती है, क्यू क्या लेना है, अगर 1 यूनिट है तो इतना ले लो, 2 यूनिट तो इसका डबल ले लो, 3 यूनिट तो इसका ट्रिपल ले लो, ऐसे चलता है मल्टीपल में। ठीक है, तो चार्ज क्या रखना है, यूनिट पॉजिटिव यूनिट नेगेटिव अगर आ रहा है तो हम 1 यूनिट चार्ज मान के ये पुट कर देंगे, डिस्टेंस किस में रखनी है, सेंटीमीटर में, तो स्टार्टिंग में आपका ESU सेंटीमीटर आएगा, उसके डिवाई में कन्वर्ट करना तो 10^-18 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या, अगर आपने म्यू ऑब्जर्व पता था, क्वेश्चन में दिया होगा, म्यू कैलकुलेट कर लिया डिवाई में, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालते हैं, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे।